हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती होने वाली है 2021 की, उसके एग्जाम पैटर्न और कंप्लीट सिलेबस के बारे में। ठीक है, वैसे तो इस पर दो एक क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं, दो से तीन क्लासेस। अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो, और उसको जो है हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे कल से, क्योंकि अभी जो है वो कुछ बिजी होने के कारण ये क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो रही थी। तो बहुत सारे बच्चों ने जो है वो फॉर्म भरा ही है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि इसकी लास्ट डेट जो है वो जा चुकी है, और अगर आपको तैयारी करनी है, ठीक है, तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो और आप चाहते हो कि इस बार आपकी फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्शन हो, तो आप ये वेट मत कीजिएगा कि ग्राउंड आपका जब होगा उसके बाद जो है वो आप रिटर्न टेस्ट की तैयारी करेंगे। ठीक है, ग्राउंड के साथ साथ जो है वो आपको रिटर्न टेस्ट की तैयारी करनी है। आपको पता ही है कि कंपटीशन कितना बढ़ चुका है, मैं हर वीडियो में बोलता हूं, तो मेक श्योर कर लें कि अगर आपको एक सीट चाहिए तो आपको जो है वो एडवांस में तैयारी करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो जो है वो एग्जाम पैटर्न और कंप्लीट सिलेबस के ऊपर है। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी इसी से रिलेटेड, उसके बाद जो है हम क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर। ठीक है, एग्जाम पैटर्न आपका कैसे रहने वाला है, ठीक है, और कितने क्वेश्चन जो है ये आपको वैसे जनरली पता होगा, बट एक बार मैं जो है वो आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। टोटल क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे वो 85 पूछे जाएंगे, 85 क्वेश्चन 85 मार्क्स के। ठीक है, टोटल मार्क्स भी आपके 85 रहने वाले हैं। टाइमिंग जो होगी वो 75 मिनट की होगी, और अगर आप इसको कर लेते हो, ठीक है, तो आपके जो डॉक्यूमेंटेशन होगी बाद में वो होगी आपकी 15 मार्क्स की। ठीक है, यानी कि टोटल आपकी जो है वो 100 मार्क्स कंप्लीट होंगे, 85 का पेपर, ठीक है, उसके बाद आपकी 15 की डॉक्यूमेंटेशन, तो 100 ये जो है वो आपके पूरे होंगे। पहले क्या होगा, पहले आपको ग्राउंड करना पड़ेगा, जो भी ग्राउंड की आपकी रिक्वायरमेंट मांगी गई है, आपकी जो है वो 100 मीटर, फिर उसके बाद जो भी आपकी रेसेस वगैरह मांगी गई है, हाई जंप लॉन्ग जंप, उसको कंप्लीट करने के बाद जो है वो आप रिटर्न टेस्ट में बैठोगे। रिटर्न टेस्ट में जितने ज्यादा आपके नंबर आएंगे, अगर आप मेरिट में आते हो तो ही आपकी जो है वो सिलेक्शन डॉक्यूमेंटेशन के लिए होगी। तो ये जो सेकंड फेज है आपका रिटर्न टेस्ट वाला, ठीक है, इसकी तैयारी आपको अभी से करनी है। ये मत सोचिएगा कि अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो कि भाई जब मेरा ग्राउंड क्लियर हो जाएगा उसके बाद में तैयारी शुरू करूंगा या करूंगी, तो आप जो है वो बहुत ज्यादा बच्चों से जो है वो पीछे रह जाओगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है वो ऑलरेडी तैयारी में लग चुके हैं, तो आप भी उनमें शामिल हो जाइए और अपनी तैयारी जो है वो शुरू से स्टार्टिंग कर दीजिए, आज से बैठ जाइए, ठीक है, और पढ़ना जो है वो शुरू कर दीजिए। साथ साथ जो है वो आपको ग्राउंड की भी तैयारी करनी है, ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। अगर नहीं चाहिए, अगर आपको लगता है कि आप ग्राउंड के बाद कर सकते हो अच्छे से तैयारी, तो आपकी मर्जी, आप उस तरीके से भी जो है वो कर सकते हो। तो ये पूरा एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, 85 क्वेश्चन, 75 मिनट, 85 मार्क्स के, डॉक्यूमेंटेशन होगी आपकी 15 नंबर की। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन बाद में होगी, पहले आपको मेन फोकस करना है 85 नंबर के ऊपर। अगर बात करें सिलेबस की कि कौन कौन से सेक्शन से जो है वो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सभी कुछ जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उनसे लिया गया है कि इस सेक्शन से जो है वो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो हिमाचल जीके, ठीक है, उसके बाद आपकी इंडियन जीके, फिर आपकी इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, रीजनिंग हो गई, साइंस होगी, मिसलिनियस होगी, करंट अफेयर्स हो गया, और आपका एनवायरमेंट हो गया। ठीक है, ये सारे सेक्शन जो है वो आपके 85 मार्क्स में जो है वो पूछे जाते हैं। अब किस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है उसके बाद में मैं अलग से बात करूंगा, और जो आपकी बुक्स हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जब हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। बट पहले जो है हम डिटेल सिलेबस एक बार समझ लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चीज आप देखिए ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 85 क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं और सेक्शन आपके पास ज्यादा है। ठीक है, और अगर आप इक्वली आप इनको देखोगे तो हिमाचल जीके अपने आप में बहुत बढ़िया है, ठीक है, इंडियन जीके भी अपने आप में बहुत बढ़िया, और इन्होंने कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है कि हम इंडियन जीके में से जो है वो पर्टिकुलर टॉपिक पूछेंगे या फिर हिमाचल जीके में से पर्टिकुलर टॉपिक पूछेंगे। इन्होंने सिर्फ बताया है, ठीक है, कि भाई ये चीजें हम जो है वो पूछेंगे, ये सेक्शन पूछेंगे। तो ऐसे में आपको ये फाइंड आउट करना है कि 85 मार्क्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्या आप पढ़ें जो आपको जो है वो इंपॉर्टेंट लग सकता है। तो इसी बारे में जब हम ये बात करेंगे किस तरीके से तैयारी करें, वही जो है हम डिस्कस करेंगे। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि ये टॉपिक आपको पहले करने हैं अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हो, और उसके बाद अगर कोई बचता है तो आप उसको बाद में जो है वो कंटिन्यू कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एचपी जीके और इंडियन जीके के बारे में। ठीक है, एचपी जीके की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी सभी सेक्शन जो है वो आपको कवर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ज्योग्राफी वाले सेक्शन में जाना है, जो भी आपकी नदियां वगैरह, घाटियां वगैरह है, ठीक है, उसको आपको रिवाइज कर लेना है, क्योंकि एचपी जीके का ऐसा है कि आप और भी एग्जाम दिए होंगे, ठीक है, और उसके लिए आप जो है वो पढ़ते आए होंगे, तो इसको सिर्फ आपने जो है वो रिवीजन करना है।
अभी से मैं तैयारी करने को इसीलिए ही बोल रहा हूँ क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा है और आप ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कहाँ से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपने ज्योग्राफी पूरी कर ली और हिस्ट्री का एक चैप्टर जो है वो छोड़ दिया और उसी में से ही आपके जो है एक से दो क्वेश्चन आ गए तो आपकी वहां पर गेम जो है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अगर आप अभी से तैयारी करोगे तो एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ टाइम आपके पास है कि आप जो है वो मैक्सिमम चीजों को कर पाए और फिर उनको जो है वो बाद में रिवाइज कर पाए। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब आप एग्जाम में बैठोगे ना और आपको ये पता है कि मुझे मैक्सिमम एचपी जीके आती है, अब उसमें से चाहे दो क्वेश्चन आए चाहे चार आए तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप में बिल्ट होगा कि हाँ मुझे मैक्सिमम आता है तो क्वेश्चन अगर कहीं से पूछ लिया जाता है तो मैं कर दूंगा। बट अगर आपको मैक्सिमम चीजें नहीं आती होंगी तो वहां पर आप थोड़े डिमोटिवेट होंगे और वो चीज जो है वो खराब होती है अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो। ये मैं चीज इसलिए यूज करता हूँ बार बार सीरियस कैंडिडेट, क्योंकि ये जो है वो अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो ही आपके ऊपर अप्लाई होती है। अगर आपके लिए मजाक है कि मुझे सिर्फ एग्जाम देना है या फिर कोई बाद में दूसरा एग्जाम देख लूंगा तो फिर आप उस हिसाब से जो है वो चल सकते हो। तो एचपी जीके में जो है वो आपको ज्योग्राफी में मेन मेन क्या करना है कि आपको जो है वो घाटियां नदियां और आपकी पर्वत श्रृंखलाएं चोटियां ये सब कुछ जो है वो पहली प्रायोरिटी इनको देनी है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपको क्या है हिस्ट्री में मेन मेन की किसने जो है वो कौन सा नगर बसाया था, किस रियासत की स्थापना किसने करी थी, मतलब कि हर उसमें जो है वो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाते हैं, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट पर फोकस करना है। ज्यादा आपको हिस्ट्री में डीप जाने की जो है वो जरूरत नहीं है। ठीक है, पॉलिटी में आपको क्या रिवीजन करना है कि कौन सा जो आपका विद्रोह है वो कब हुआ था। ठीक है, ये पॉलिटी में सिर्फ आपको इस चीज पर जो है वो फोकस करना है। और दूसरी चीज क्या है कि जो आपके स्वतंत्रता सेनानी वगैरह थे, ठीक है, जिनका जो है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है वो कहाँ कहाँ से जो है वो संबंध रखते हैं, ये चीजें जो है वो आपको इसमें रीड करनी है। इकोनॉमी वाले में तो आपको सिंपल सा है, जो इकोनॉमिकल सर्वे अगर उससे करंट अफेयर से क्वेश्चन बनता है तो वो आपका इकोनॉमिकल सर्वे से बनेगा। तो ये चीज जो है वो अगर आप पढ़ना शुरू करते हो सबसे पहले आपको इस चीज पर फोकस करना है। उसके बाद रिमेनिंग टाइम अगर आपके पास बचता है तो थोड़ा सा डीप आप जो है वो जा सकते हो, बट आपको डीप जाने की पहले जरूरत नहीं है, पहले आपको मेन टॉपिक जो है वो कवर करना है। फिर आ जाते हैं इंडियन जीके में। इंडियन जीके में आपको जो है वो इंडिया के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ उसकी कंट्रीज के बारे में, मेन आपका कंट्रीज हो गया, करेंसीज हो गया, वो आपको पढ़ना है। वर्ल्ड की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सबको रीड करना है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिकल इश्यू हो गए, इंडियन ज्योग्राफी हो गई। अब इसमें से जो है वो टॉपिक आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ठीक है, ये जब मैं आपको एक वीडियो में ये बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो वो चीजें जो है वो आपको तब पता लगेगी। तो मेक श्योर कि आप एग्जाम को देने से पहले या एग्जाम की तैयारी करने से पहले जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको एक बार अच्छे से एनालाइज कर लें। ठीक है, उनको एनालाइज कर लोगे तो आपको ये थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आपको जो है वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछने पढ़ने हैं। ठीक है, बाकी करंट नेशनल न्यूज होगी, इंटरनेशनल इश्यूज हो गए, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस होगी, कल्चर ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट हो गए, ट्राइबल्स ट्राइब्स के बारे में आपने पढ़ना है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपने पढ़ना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, आपकी ट्राइब्स हो गई, उसके बाद आपका म्यूजिक और लिटरेचर हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई। ठीक है, जो आपके प्राइजेस मिले हैं, ठीक है, ये करंट अफेयर में आ जाएगा, ये आपको पढ़ना है। नेशनल डांस वगैरह पढ़ना है। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर लिखे गए हैं ये आपको जरूर से पहले कर लेने हैं। ठीक है, तो जब भी आप बुक चखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ल्यूसेंट की बुक इसके लिए आपने परचेज कर ली क्योंकि वो बहुत ज्यादा सफिशियंट है, इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो उसमें एक एक टॉपिक जो है वो सेपरेट दिया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल बुक्स एंड ऑथर। ठीक है, तो पर डे का हिसाब लगा लीजिए कि आज मैंने जो है वो बुक्स एंड ऑथर करना है, उसके बाद मैंने ट्राइब्स के बारे में पढ़ना है, उसके बाद मैंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है, फिर मैंने कल्चर ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है, जो भी आपका न्यू इन्वेंशन हुई है या फिर पुरानी इन्वेंशन है, कैपिटल्स वगैरह है। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में मैंने पढ़ना है। ठीक है, तो वो चीजें आपको पहले देखनी है। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसी कैपिटल्स है या बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिनके नाम जो है वो रिसेंटली चेंज किए गए हैं, तो करंट अफेयर में आपके पास ये जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा आपको पता ही है ओलंपिक्स गए हैं, ठीक है, उसके बाद पैरा ओलंपिक्स हो रहे हैं, तो किस किसने गोल्ड मेडल जीता है, सिल्वर ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, यही जो है वो आपके करंट अफेयर में बनेंगे। तो आपको जो है वो मतलब कि टच में रहना है करंट अफेयर के साथ, बाकी पुराना जो है वो चीजें भी करनी है। अब यहाँ पर आप ये देखने में छोटे लग रहे हैं बट ये बहुत ज्यादा पढ़ने में, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। करंट अफेयर के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल जीके स्टडी से जुड़ सकते हैं, वहां पर मैं करंट अफेयर जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं पोस्टेड करता रहता हूं, तो आप वहां पर भी जुड़ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एचपी और इंडियन जीके। ठीक है, ये देखने में आपको कम लग रहा होगा बट आपको जो है वो अच्छे से करना है। बाकी वीडियोस जो आएंगी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कंप्लीट आपको जो है वो कवर करवाया जाए, बाकी आपको खुद से भी तैयारी करनी है।
दूसरी बात होगी आपकी मैथ और रीजनिंग, ठीक है। अब ये एक आपका एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें आप जो है वो स्कोर अच्छा कर सकते हो अगर आपकी मैथ और रीजनिंग अच्छी है, क्योंकि इसमें जो है वो सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत वास्ट जीके है, एक सिलेक्टेड टॉपिक है। अगर आपके मैथ के आपको मैक्सिमम टॉपिक आते हैं, ठीक है, 10 से 11, तो आप जो है वो स्कोर अच्छा कर पाओगे। ऐसे ही रीजनिंग में होता है, ठीक है। तो एलजेब्रा हो गया, डिफरेंशियल ज्योमेट्री होगी, नंबर सीरीज होगी, लेटर एंड सिंबल सीरीज होगी, वर्बर क्लासिफिकेशन होगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास आर्टिफिशियल लैंग्वेज होगी, जो आपके पास लॉजिकल प्रॉब्लम्स वो होगी, वर्बल रीजनिंग होगी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होगे, ठीक है, और कंप्यूटेशन होगी वोल नंबर की। उसके बाद आपकी जो है वो रेशियो होगी, परसेंटेज होगी, ठीक है। आपके पास जो आपके लॉजिकल डिडक्शन होगी, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, आपका जो बेसिक मैथ होता है वो आपको जरूर करना है। उसके बाद आपका जो है वो टाइम एंड वर्क हो गया, उसके बाद आपकी जो है वो रेशियो हो गई, आपकी परसेंटेज हो गई, उसके बाद आपका जो है वो इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। तो ये 11 से 12 टॉपिक हैं टोटल मैथ के जो कि आपको करना है। बट इनको करने के लिए एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहले आपको आना चाहिए सिंपल मैथ, ठीक है, उसके बाद आपको आनी चाहिए रेशियो निकालने, और उसके बाद आनी चाहिए आपको एवरेज निकालने। तो ये जब आपको तीनों चीजें आती है तो आप जो है वो आगे 11 से 12 टॉपिक जो है वो आराम से कर पाओगे। तो आप इनको प्रिपेयर कर लोगे तो आपको ये जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि मेरे को क्या करना है, कि मुझे जो मैथ में से है जो वो मैक्सिमम चीजें आती है, ठीक है। ऐसा ही रीजनिंग में है, रीजनिंग में भी 10 से 11 टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब कि अगर आप जीके के कंपैरिजन में इसको देखोगे तो यहां पर आप जो है वो अगर तैयारी करते हो तो स्कोरिंग के चांस जो है वो ज्यादा है। अब फॉर एग्जांपल आप ये देख लीजिए कि अगर आप जीके में ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हो वर्ल्ड की, तो एक भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपसे स्किप हो गई, ठीक है, और उसके बाद वो पूछ ली गई, तो आपका वहां पर सारा पढ़ा पढ़ाया जो है वो बेकार है, ठीक है। बट अगर आप मैथ और रीजनिंग की बात करें तो आपको अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आते हैं कि भाई ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, ठीक है, या फिर आपको ट्रिक्स वगैरह आती है, तो आप कुछ ना कुछ लगाकर जो है वो उसका आंसर निकाल लोगे। तो ज्यादा जो है वो अपना फोकस इस पर रखिएगा अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, और बाकी जो आपकी जीके है उसको भी साथ लेकर चलिएगा। बाकी जब नेक्स्ट वीडियो आएगी कि किस तरीके के आपको जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर में दिखाऊंगा, तो आपको एक आइडिया वहां पर भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अगली बात करते हैं इंग्लिश की, ठीक है। ये भी आपके लिए स्कोरिंग, जो आपका स्कोरिंग जो है वो सेक्शन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी जो है वो 8 से 9 सेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, और अगर आप 8 या 9 सेक्शन को इनको अच्छे से कर लेते हो तो आपको जो है वो बहुत ज्यादा मतलब की हेल्प मिलेगी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टेंसेज, अगर आपको टेंसेज आते हैं तो आपको सबसे पहले वो ही करने, अगर नहीं आते हैं, ठीक है, उसके बाद फिलिंग इन द ब्लैंक्स आपको हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, और आपका वर्बल कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, क्लॉजेज हो गए, वोकैबुलरी होगी, एंटोनिम सिनोनिम हो गए, ग्रामर होगी जो बेसिक ग्रामर आपकी होती है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, डिटेक्टिंग आपको मिसस्पेल्ड इडियम फ्रेजेस, ये सब कुछ जो है वो आपको करने है। टेंसेज मैंने आपको दोबारा बोला, अगर आपको नहीं आते हैं सबसे पहले आपको टेंसेज करने हैं, ठीक है, उसके बाद जो है वो आपको बाकी चीजों पर जाना है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो वीडियोस में कराई जाएगी अगर आप सपोर्ट रखोगे, ठीक है, वीडियोस आप ज्यादा से ज्यादा फैलाओगे, देखोगे, ठीक है, तभी जो है वो उस चीज को करने में मजा आता है। तो इंग्लिश की होगी, हिंदी की होगी, मैथ की होगी, सभी चीजों की आपको वीडियो जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं हिंदी की, तो बेसिक जो आपका हिंदी ग्रामर होता है कंप्लीट, ठीक है, वो आपको करना है, जैसे कि आपका समास हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको टिप्स पर रटे होने चाहिए, जिनमें से आपका जो है वो पूछा ही जाएगा हिंदी में, ठीक है, मुहावरे हो गए। तो ये भी 10 से 11 टॉपिक हैं जिनको जो है मैं कंप्लीट आपको सीरीज में करवाऊंगा। हिंदी की टेंशन आप छोड़ दीजिए, अगर आप लोग जीके स्टडी के साथ जुड़े हो और अगर आप सपोर्ट दिखाओगे तो कंप्लीट हिंदी जो है वो आपको कवर करवाई जाएगी। हाँ, बकायदा ये चीज है कि मुहावरे वगैरह आप खुद कर लीजिएगा, विलोम शब्द वगैरह, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, एक वीडियो में आपको मैं 1000 पढ़ा सकता हूँ, 2000 पढ़ा सकता हूँ, बट और भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। साइंस की बात करें तो बेसिक साइंस और प्लस एनवायरमेंट साइंस की क्लासेस ही जो है वो चली हुई है, ठीक है, और इसको ही कंटिन्यू पहले किया जाएगा। तो ये बेसिक साइंस आपको जो है वो क्लियर होनी चाहिए, प्लस इसमें एनवायरमेंट की भी जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी जो है वो आपको सीरीज के थ्रू करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा आपको करवाया जाएगा अगर आप लोग सपोर्ट रखोगे, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग जो है वो कितना चाहते हो कि क्लासेस को कंटिन्यू किया जाए, और सभी का जो है वो किया जाएगा। तो ये आपका जो है वो थोड़ा थोड़ा मैंने सिलेबस आपको बता दिया है, बाकी जैसे जैसे आप जुड़े रहोगे, जैसे जैसे हम आपको करवाते रहेंगे, उस अकॉर्डिंग आपको जो है वो समझ आता रहेगा। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। सबसे पहली एक चीज याद रखिएगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है, ठीक है, जो कि मैं भी करवाऊंगा, बट अगर आपको 2 से 3 मिल जाते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप उनको जो है वो देखकर ये पता लगा पाओगे कि हर साल जो है वो कितने कितने क्वेश्चन कौन कौन से सेक्शन से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड बात, भाई अपना प्रॉपर टाइम टेबल जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए सिलेबस जो है वो आपका ज्यादा है, ठीक है, अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो,
क्वेश्चन आपके सिर्फ 85 ही आने हैं, ठीक है। अब इन सभी में से वो क्वेश्चन डालेंगे और चुन चुन के डालेंगे, तो आपको जो है वो ये तो है नहीं भाई आप इतने बड़े गैसर हो कि आप ये गैस कर सको कि कौन से सेक्शन से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसके लिए आपको पढ़ना तो अच्छे से पड़ेगा ही, ठीक है। तो टाइम टेबल प्रॉपर अगर आपने हर सब्जेक्ट को दिया है तो आप जो है उसको इजिली जो है वो ब्रेक कर पाओगे। तीसरी बात क्या है कि आपको जो है वो मैथ्स और रीजनिंग पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग चीजें जो है वो आपकी है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। आपको मैथ से डरना नहीं है, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे अभी से करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगर दूर भागते रहोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, वहां पर जो है वो स्कोर आपका अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। और इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं मैथ्स और रीजनिंग में से, तो आपको जो है वो उस तरीके से इसको पढ़ना है, ठीक है। प्रैक्टिस करना है डेली, ज्यादा टाइम आपको मैथ्स और रीजनिंग में ही देना है, ठीक है। और करंट अफेयर के साथ टच में जो है वो आपको जरूर रहना है, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन को जो है इस पॉइंट को कुछ जोड़िएगा, ठीक है। और साथ साथ डेली अभी से जो है वो तैयारी शुरू कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप रेडी हो कि नहीं हो, ठीक है। सिर्फ आपको रेडी लिखना है, ठीक है, और हमारी क्लासेस जो है वो आपके लिए शुरू हो जाएंगे। बाकी ज्यादा मैं इसमें कुछ बोलूंगा नहीं, क्लासेस के थ्रू आपको जो है वो मैक्सिमम सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा। बाकी अपनी भी थोड़ी आपने सेल्फ स्टडी रखनी है, मॉक टेस्ट भी जल्दी आपके लिए लॉन्च कर दिए जाएंगे और उसके साथ साथ जो है वो आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो रेडी जो है वो जरूर कमेंट में आपको लिखना है ताकि हमें पता लगे कि कितने बच्चे आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।